Hello students welcome to my channel study with sangeeta yadav today we will learn about class 7th science chapter number 1 nutrition in plant so let's start the video in class 6 you learned that food is essential for all living er organisms you also learned that carbohydrates proteins fats vitamins minerals are the components of food दिस कम्पोनेंट्स ऑफ फूड आर नेसेसरी फॉर आर बॉडी एंड आर कॉल्ड न्यूट्रिय सो आपने क्लास सिक्स में पढ़ा है कि फूड जो है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए असेंशियल होता है तो आपने पढ़ा है क्लास सिक्स में ही कि कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स फैट्स विटामिन मिनरल्स ये सब क्या है कम्पोनेंट्स ऑफ फूड है और इन्हीं को हम क्या कहते हैं न्यूट्रियट्स अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है जिसमें कंपोनेंट ऑफ फूड के बारे में बोला जाए तो आप लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट विटाम्स एंड मिनरल्स क्या है कंपोनेंट्स ऑफ फूड है और यही सब क्या है न्यूट्रिएंट्स है सो नेक्स्ट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उनको फूड की रिक्वायरमेंट होती है प्लांट कैन मेक देयर फूड दैमसेल्व बट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूम कैन नोट प्लांट जो, होते, है है, जो होते, हैं होते हैं वो अपना फ़ूड खुद प्रिपेयर करते हैं लेकिन so, जो ह्यूमन बीग्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते दे गेट इट फ्रो इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स सो जो एनिमल और ह्यूमन बींग्स होते हैं वो अपना फूड कहाँ से लेते हैं प्लांट से लेते हैं या फिर अदर एनिमल से लेते हैं जो प्लांट को खाते हैं इट मीनस जो ह्यूमन बींग्स हैं वो क्या करेंगे अपना जो फूड है वो प्लांट से लेंगे या कोई भी एनिमल है वो या तो प्लांट से अपना फूड लेगा या कोई प्लांट ईटिंग एनिमल से फ़ूड लेगा जैसे घास है या कोई प्लांट है मान लो कोई भी ट्री है उसमें कुछ फ्रूट वेजिटेबल वगैरह लगते हैं तो वो कौन लेगा ह्यूमन बींग्स लेगा अब कोई एनिमल है डियर है अब वो डियर ग्रास को खाता है और उस डियर को कौन खाएगा कोई भी कार्निवोर एनिमल मतलब कोई भी मांसाहारी जो एनिमल है वो खाएगा लाइक लॉयन तो इस तरह से एक फूड चेन चलती है और इसमें क्या पता चला है हमें कि जो ह्यूमन बींग्स है और एनिमल्स है वो या तो प्लांट से अपना फूड लेते हैं या प्लांट ईटिंग जो एनिमल है उनसे अपना फूड लेते हैं दस उ ह्यूम्स एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स सो जो ह्यूमन बींग्स है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट पर डिपेंडेंट है सो यहाँ पे आपने पढ़ा कि प्लांट कैन मेक देयर फूड दैमसेल्स सो प्लांट जो होते हैं वो अपना फूड कैसे बनाते हैं खुद बनाते हैं बट जो एनिमल्स होते हैं वो अपना फूड एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो अपना फूड नहीं बनाते हैं ख़ुद सो ह्यूमन्स एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स सो ह्यूमन बींग्स कहाँ किस पर डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए प्लांट्स पर सो नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन कि प्लांट में न्यूट्रिशन का मोड क्या है प्लांट को जो भी असेंशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए या जो भी फूड के कंपोनेंट्स चाहिए अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए वो उन्हें कहाँ से ऑप्टेन करते हैं कहाँ से प्राप्त करते हैं प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देम तो यहाँ पर क्या है कि जो प्लांट्स हैं वो ही ओनली ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं बाई यूजिंग क्या क्या यूज़ करके वाटर कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स सो so, प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं और किस किस चीज़ का यूज़ करते हैं वाटर का यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं एंड मिनरल्स का यूज़ करते हैं द रो मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग और ये सब क्या है रो मटेरियल्स है जो हमारे सराउंडिंग में प्रजेंट हैं अगर आपके पास कोई क्वेश्चन होता है कि जो प्लांट है वो कौन से रो मेटीरियल्स को यूज़ करके अपना फूड प्रिपेयर करता है तो आप क्या लिखेंगे वाटर कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स द न्यूट्रियस एनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देअर बॉडीज़ टू ग्रो टू रिपेयर डेमेज पार्ट ऑफ देर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस सो जो न्यूट्रियट्स हैं मीन्स जो फूड की कंपोनेंट हैं वो क्या करते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी हेल्प करते हैं किस में हेल्प करते हैं बिल्ट देयर बॉडीज़ उनकी बॉडीज़ को बिल्ड करने में बनाने में टू ग्रो ग्रो करने में बढ़ने में टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ़ देयर बॉडी और उनकी बॉडी का जो भी डैमेज पार्ट है या जो भी डैमेज सेल है उनको रिपेयर करने के लिए एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस और क्या करते हैं एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं जिससे वो क्या कर सकते हैं अपने लाइफ प्रोसेस को ईजीली कम्प्लीट करते हैं सो so अगर आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि जो न्यूट्रिएंट्स है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्या हेल्प करते हैं तो उसमें आप बताएंगे क्या हेल्प करते हैं बिल्ड देयर बॉडीज़ उनकी बॉडीज़ बनाने में हेल्प करते हैं टू ग्रो ग्रो करने में हेल्प करते हैं रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ़ देयर बॉडीज़ और उनकी जो बॉडीज़ के डैमेज पार्ट है उनको रिपेयर करने में हेल्प करते हैं प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस और कोई भी काम करने के लिए उन्हें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिजम्स तो न्यूट्रिशन क्या है एक मोड है जिससे कोई भी ऑर्गेनिजम्स अपना फ़ूड ऑप्टेन करते हैं एंड इट इज़ यूटिलाइज बाई द बॉडी और इसे अपनी बॉडी में यूटिलाइज करते हैं द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड दैमसेल्स फ्रॉम सिंपल सब्सटांस इज कॉल्ड ओटोट्रोप तो जो मोड है न्यूट्रिशन का जिसमें क्या करते हैं कोई भी ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद बनाते हैं कुछ सिंपल सब्सटांसिस को मिला के दैट इज़ कॉल्ड ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन तो न्यूट्रिशन के टू टाइप्स है कौन कौन से टाइप हैं एक है ऑटोट्रोपिक एंड सेकेंड है हेट्रोट्रोप्स तो so ऑटोट्रॉपिक में क्या है कि कोई भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है कुछ सिंपल सब्सटेंस का यूज़ करके द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड दैम सेल्फ फॉर सिंपल सब्सटांसिस इज कॉल्ड ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन ऑटो मीन्स सेल्फ ऑटो ऑटोमीन्स सेल्फ सेल्फ मतलब खुद ट्रॉप्स मीन्स नरिशमेंट नरिशमेंट मतलब खुद के लिए अपना फूड प्रिपेयर करना खुद को पोषण देना खुद की जो भी रिक्वायरमेंट है उनको कंप्लीट करना देअर फोर प्लांट्स आर कोल्ड ऑटोट्रोप्स और इसलिए प्लांट्स को क्या कहा जाता है ओटोट्रोप्स कहा जाता है क्यों क्योंकि प्लांट्स अपने फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन रेडी मेड फूड प्रिपेयर बाय द प्लांट और जो एनीमल्स और जो अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं उस फूड को यूज करते हैं जो प्लांट ने बनाया होता है सो दे आर कोल्ड हेटरोट्रोप्स सो इसलिए उनको एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स को क्या बोलते हैं हेटरोट्रोप्स हैटरो मीन्स अदर और ट्रॉप्स का मतलब आपको पता है यहीं पे बताया हुआ था नरिशमेंट सो हैट्रोस मीन्स अदर ट्रॉप्स मीन्स नरिशमेंट सो हैट्रोट्रोप्स जो होते हैं या फिर जो हैट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है उसमें एनिमल और ह्यूमन बींग्स आते हैं जो दूसरों से बने हुए फूड को यूज करते हैं तो so, आज की वीडियो में आपने पढ़ा न्यूट्रिशन के बारे में प्लांट्स और एनिमल से न्यूट्रिशन के बारे में न्यूट्रिशन टू टाइप्स का होता है ओटोट्रोपिक एंड हैट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक मीन्स जो खुद अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं हाइड्रोट्रॉपिक्स मीन्स जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते सो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे पढ़ेंगे दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो